चंदनगर थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक युवक को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। जिस हमसफर के साथ उसने निकाह किया, साथ जीने मरने के सपने देखे, उसी हमसफर ने रिश्ते को दागदार कर दिया। रिश्तों में दगाबाजी इस कदर बढ़ गई कि पत्नी के प्रेमी ने अपनी माशुका के पति को रास्ते से ही हटा दिया। दरअसल रिश्तों में दगाबाजी की यह घटना चंदननगर थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाला जावेद पिता सत्तार मंसूरी 21 अप्रैल को अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने उसे काफी तलाशा लेकिन पता नहीं चल सका। इसके बाद 22 अप्रैल को चंदननगर थाने में जावेद की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। परिजनों ने रिक्शा चालक सद्दाम पिता इकबाल पर संदेह जताया था। घटना वाले दिन सद्दाम को जावेद के साथ भी देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने सद्दाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो घटना के रात से पर्दा उठ गया। सद्दाम ने जावेद की हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को जावेद की लाश बुधवार रात सिरपुर तालाब के सामने ग्रीन पार्क से मिली है। पुलिस को जांच में पता चला कि जावेद की पत्नी और रिक्शा चालक सद्दाम का अफेयर था, जिसके चलते सद्दाम ने जावेद को रास्ते से हटा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम यह हुआ सर कि ये 21 तारीख से लापता है और हमको एक रिक्शा वाले पर शक था। उस आधार पर हमने उसकी रिपोर्ट डलवाई तो उसी ने रिक्शा वाले का नाम है सद्दाम पिता इकलाक और उनने घटना स्थल पर ले जाके बताया कि यहाँ लाश पड़ी है। पुलिस को बताया और हम लोग भी पहुँच गए स्पॉट पे। हम 5-6 रोज से ढूंढ रहे थे। बोला तो क्या पूरा हत्या है या क्या? हत्या सर किसने की? सद्दाम ने कबूल भी दिया ना सर। उनने और भी लोग हैं, और भी लोग शामिल है उसमें। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। क्या कारण आया? कारण सर वो थोड़ा मतलब वो लड़की उसकी मिसेज का और इसका कुछ लफड़ा था। जो जावेद था ना उसकी मिसेज का और सद्दाम का अफेयर था, उस चक्कर में ये हादसा हुआ है। दिनांक 22 अप्रैल को एक गुमशुदगी थाना चंद्रनगर में दर्ज हुई थी, जिसमें जावेद पिता सत्तार खां दिनांक 21 तारीख से मिसिंग था। उस गुमशुदगी की जांच की गई थी। जांच के दौरान जो तथ्य आए उसमें पाया गया कि इसमें एक संदेही सद्दाम है, जिस जो घटना दिनांक उसके साथ रहा है और परिवारजन के द्वारा भी उस पर शक बताया गया था, जो उसको पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर उसके द्वारा जावेद की अपने साथी के साथ हत्या करना बताया, जिस पर से उसकी निशानदेही पर मृतक जावेद की बॉडी जब्त की गई।